नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। बिहार के पूर्णिया में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए श्रम अधीक्षक आलोक रंजन और चपरासी मनोज कुमार। भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी विभाग के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिनों न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान निगरानी विभाग की टीम का अगुवाई कर रहे DSP अरुण कुमार पासवान ने बताया कि पूर्णिया के बेलोरी रोड बाईपास में माँ अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने 2013 में बिना नगर निगम से नक्शा पास करवाए कार्यालय भवन का निर्माण करवाया था, साथ ही किसी विभाग को उपकर की जानकारी भी नहीं दी गई थी। इस वर्ष 18 मार्च को श्रम आयुक्त कार्यालय से कंपनी को बकाया उपकर जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद कंपनी के मैनेजर फरीदाबाद निवासी विजय कुमार 24 अप्रैल को 1,99,565 रुपया का DD बनाकर उपकर की राशि जमा करने के लिए श्रम कार्यालय गए थे, जहां श्रम अधीक्षक आलोक रंजन की कंपनी ने के मैनेजर को अपने सहयोगी मनोज कुमार के से मामले को लेकर बात करने को कहा। श्रम कार्यालय के चपरासी मनोज कुमार ने बकाया राशि जमा कर मामले को खत्म करने को लेकर श्रम अधीक्षक के लिए 50,000 रुपए और अपने लिए 5,000 रुपए की राशि घूस के रूप में मांगी। कंपनी के मैनेजर विजय कुमार के रिश्वत नहीं देने के साथ 30 जून को निगरानी विभाग को मामले की लिखित शिकायत की। निगरानी की टीम ने 6 जुलाई को मामले का सत्यापन किया। इसके बाद 10 सदस्य की टीम गठन भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारी और कर्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर किया गया, जिसके बाद कंपनी का मैनेजर विजय कुमार 55,000 रुपए घूस देने श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे और चपरासी मनोज कुमार को पैसा दिया, और पैसे लेने के बाद जैसे ही मनोज श्रम अधीक्षक के पास पैसा पहुंचाने गया, वैसे ही निगरानी विभाग की टीम रुपए सहित घूसखोर श्रम अधीक्षक आलोक रंजन और चपरासी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर निगरानी विभाग कार्यालय पटना ले गई, जिसके बाद आज उसे भागलपुर स्थित निगरानी न्यायालय में पेश किया। विजय कुमार का कंपनी था, एक उनका ऑफिस था जो 2013 में बना था, उसमें किसी का कोई उसमें आदेश नहीं था, उसमें परमिशन ना था निगम से ना उनको विभाग से। उसी में ही नोटिस भेजा था कि आपका अवैध है कार्यालय, इसके लिए आप 1,99,000 समथिंग रुपया का टैक्स जमा कीजिए, तब आपको परमिशन मिलेगा। उसी में गया था देने के रीडी बना के, तो ये मतलब कि एक्स्ट्रा 50,000 रुपया और दीजिए, उससे का आरोप लगाए तो उस दिन आने चाहते थे, उसी का सत्यापन के बाद कॉन्ट्रैक्ट पाया गया और उसके बाद ही निगरानी कार्रवाई की। तो पर्चा बना अरुण पासवान डी एस सी निगरानी।